हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह हो गई है, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, इसी वजह से ना मैं जिम गई ना अंकित गए, और आज सीरत भी स्कूल नहीं गई। सीरत स्कूल क्यों नहीं गया? खाने के लिए। तो खाने के लिए ये स्कूल नहीं गई, एक्चुअली हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उठ के इसको तैयार करो। पूरी बॉडी में फीवर की वजह से इतना ज़्यादा दर्द था और काँप काँप के बुखार आ रहा था ठंड लग के। तो बस मम्मी ने भी बना दिया नाश्ता, नाश्ते में मम्मी ने बनाया उपमा, इसको खाती हूँ, दवाई खाती हूँ और फिर अपना काम करेंगे। क्या काम करेंगे? खाना। हर बात पे खाना। उधर कर रही है मम्मी नाश्ता, इधर कर रही है ज़ाहिरा और ये सीरत। कैसा है सिया? हम्मी। वाह। तो हम सब ने नाश्ते में कर लिया है उपमा, पर अंकित को उपमा पसंद नहीं है। तो आपको याद होगा मैंने बच्चों के लिए, पता नहीं मैंने वीडियो में दिखाया था या नहीं, कल मैंने बच्चों के लिए क्रीमी मैक्रोनी बनाई थी वाइट सॉस। तो वो मैक्रोनी पड़ी है तो मैं वो वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैं उसी को यूज़ करके इस आटा ब्रेड में, आटा ब्रेड को बेल के और फोल्ड करके, हो मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ बना, एक पहले ट्राई करूँगी, बन गया तो दूसरा मैं आपको दिखाऊँगी बना के। अगर अच्छा बना तो मैं डिप विप करके ब्रेड क्रम्स वगैरह नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैक्रोनी एक जंक है तो ब्रेड में डाल रही हूँ, तो जितना कम हो सकता है उतना कम यूज़ करूँ उल्टी सीधी चीज़ों को। तो मैं वो ट्राई कर रही हूँ, बनता है तो मैं आपको भी रेसिपी दिखाती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बट स्टिल मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। क्या चाहिए? ब्रेड खानी है? पहले सबको हाय बोलो, पहले सबको हाय बोलो। दे रही हूँ ना बेटा, हाँ तो हाँ मो दे तो रही है। सीरत क्या हुआ है? ये लो। अरे वेरी बैड सीरत, आइसक्रीम खानी है? हाँ। जाओ दादी शाह, ये खा लो पॉपकॉर्न्स, आपके पड़ रखे हुए थे ये, ठीक है। तो मैंने ये बनाए हैं मैक्रोनी पैक पॉकेट्स, तो ये बहुत ही अमेजिंग बने हैं। शक्ल ही आपको बता रही हूँ कितने प्यारे हैं, एक एक फ्राई हो रहा है, तो मैंने सोचा ठीक बन रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता ही देती हूँ कैसे बनाना है। कुछ भी करना है, आपने ब्रेड की चारों कॉर्नर्स कट कर देते हैं, चाहे वो आटा ब्रेड हो चाहे वो मैदा ब्रेड हो। उसके बाद आपने इससे बेलन से इसको बेल लेना अच्छे से, मतलब मैं ऐसे बेल रही हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है, तो मैं ये बेल के आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये ब्रेड देखो मैंने अच्छे से फ्लैट करके बेल लिया है, यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो इसको हम कम फिलिंग करेंगे इसमें थोड़ी सी। ये बनाई है मैंने मैदा की स्लरी, देखो इतनी टाइट होनी चाहिए ये स्लरी मैदा की, चिपकाने के लिए बनाई है। इसको आप ब्रेड के चारों कॉर्नर्स पर लगा दें ऐसे। मैं दो तीन अंकित के लिए बना रही हूँ और दो मम्मा के लिए बना रही हूँ, सीरत का पता नहीं खाएगी कि नहीं। तो ऐसे आपने मैदा की स्लरी लगा दी इसके आसपास, ठीक है। इसमें आप एक चम्मच भर के मैक्रोनी रख दें सेंटर में बिल्कुल, ठीक है। ये आ गई इसमें मैक्रोनी, अब इस पॉकेट को आपने बंद कर देना है। तो अब देखो हमने चारों साइड से इसको बंद कर दिया है, ये यहाँ से वो हिस्सा है जो हमारा थोड़ा सा फटा हुआ था, तो हम इसको फेविकॉल लगा के चिपका, मतलब वैसे वाला फेविकॉल मत लगा देना, ये जो स्लरी बनाई थी ना इससे ट्राई करना इसको ऐसे करके बाइंड करने का ऐसे, ठीक है। तब तक ये वाला हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा और इसमें वो आएगा और मैं डाल दूँगी इस वाले को अंदर। उसके बाद ये बन गए हैं, मम्मी को दे देती हूँ पहले, फिर देती हूँ अंकित को। मैं कुछ भी नहीं खा रही बिकॉज ऑफ माई तबीयत एंड डाइटिंग, मैं पी रही हूँ गर्म पानी, कैटल भर के मैंने गर्म पानी कर लिया है, बस अंकित और मम्मी को देख के आती हूँ फटाफट। तो देखो बना तो रही है, खा के ही पता चलेगा कैसा बना, मैंने खाना नहीं अंकित और मम्मी ने खाना है, होपफुली अच्छा बनाओ क्योंकि पहली बार बनाया। बाकी खाने के बाद उनका रिव्यू आपको ज़रूर दूँगी और आप भी अपने घर में बच्चों के लिए इसको ज़रूर ट्राई करना, हफ्ते में एक दो बार तो ऐसी तरह की चीज़ें देनी चाहिए। तो बना दिए मैंने मैक्रोनी पॉकेट्स, अब अंकित का मैं फेस नहीं दिखा सकती क्योंकि उन्होंने टाई नहीं, अभी टर्बन वगैरह टाई नहीं की हुई, पटका भी नहीं बांधा हुआ। आप खा लो तो अंकित यहीं से बता दो आवाज आवाज से कैसा बना है। मैंने खाई नहीं है। आया क्या? ये क्या है? ये उधर से प्लेट लेके आ गई मम्मी की। ये इतना झूठ? क्या झूठ बताओ ना कैसा बना है, इतने झूठ बोलने वाली क्या बात है, ये बताओ यार, बता दो ना। मजा मैं सबको बता चुकी हूँ, पूरा व्लॉग बन चुका है मेरा इस बात पे कि तुम्हारे लिए बना रही हो, बता दो कैसा है। जो मेरे लिए बने ही नहीं तो फिर मैं क्या बता दूं। बोलो कैसा बना है। ठीक बना। ठीक बना, टेस्टी बना है। टेस्टी बना, टेस्टी बना भाई। तो आप लोग इसमें एक और चीज़ कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा और अच्छे अच्छे से फ्लेवर्स। ये तो मैंने क्रीमी सा बनाया, आप इसके पहले ब्रेड जब बेली थी ना उसके बाद आप इस पर पहले वो लगा सकते हो, क्या बोलते हैं,
पुदीने की चटनी लगा दो, हल्की सी मेयोनीज लगा दो और फिर मैक्रोनी की फिलिंग करो। ऐसे किसी भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हो, मैक्रोनी की, चाउमिन की, वेजिटेबल्स की, किसी की भी फिलिंग करके बच्चों को आप दे सकते हो ताकि बच्चे करें मजा। तो मैं जिम नहीं गई थी तबीयत खराब होने की वजह से, तो अंकित सुबह नहीं गए क्योंकि मैं नहीं गई, लेकिन अंकित शाम को चले गए थे, मैं शाम को भी नहीं गई कि तबीयत ठीक नहीं थी। तो अंकित कर रहे हैं जिम की एक्सरसाइज, क्लिप शूट करवा ली थी हमने ट्रेनर से, तो बस अभी भाग रहे हैं, होपफुली वेट कम हो जाएगा। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम लोग दिखावा कर रहे हो जिम का, ये वो ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत पक्की पक्की कर रहे हैं, बट इंसान है, कभी कुछ चीज़ खाने का मन कर जाता है तो खा लेते हैं, नहीं करता तो अवॉइड कर देते हैं। बाकी मेहनत पूरी हो रही है जिम में, पापा गए ना, चल मैं जा रहा हूं। पापा हू कर रहे थे, पापा जा रहे हैं, जाने नहीं देगी अब। तो अंकित कहीं गए हुए थे, अभी अभी अंकित घर आए और तब से ही अंकित का वेट कर रही है, और अब वो इसके लिए आइसक्रीम लाए हैं, इसने आइसक्रीम खा ली है, वो कहीं पे भी जा रहे हैं ना तो उनको बोल रही है पापा इस घोड़े पे बैठ जाओ लेकिन कहीं जाओ मत। शिया पापा को जाने नहीं देना, गए पापा गए, शिया पापा गए, पापा गए, शिया हो जाए, ये भी सोने से पहले झाड़ूंगी ना तब कर दूंगा। पापा गए, तो बस अभी अंकित ने बोला है कि अगर तू ठीक होती है तो कहीं ना कहीं प्लान्स बनाते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो, बट अब यही है कि मैं ठीक होती हूँ तो ये सब होगा। तो बस होपफुली प्रे करो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और इवन सबको ये फीवर वीवर, प्रीति दी का भी फ़ोन आया था, जीजू को भी फीवर है, वॉमिटिंग है, मेरे जैसा सेम है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, उनको मेडिसिन दी तो डैडी जी को हो गया, तो बस ये चल ही रहा है हर जगह, तो बस वायरल है। आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अब मैं अंकित से लगाती हूँ रखवाती हूँ मरहम, थैंकफुली अंकित लगा दे के एक अच्छे पति होने का कर्तव्य निभाएंगे, तो वो मेरे सर पे मरहम लगाते हैं, उसके बाद अब सो जाएंगे, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि बोलने के साथ साथ भी सर पे बहुत दर्द हो रहा है, तो तबीयत है बहुत ख़राब, रात के 3 बज गए हैं, सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, दवाई वगैरह सब कुछ खा ली बट कोई फ़र्क नहीं है। अंकित लगा रहे हैं मरहम सर पे और इसके बाद मैं सो जाऊंगी क्योंकि सुबह 8:30 उठना है सीरत के लिए भी। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। बाय, और अपना ख्याल भी रखें क्योंकि मौसम ऐसा है, हर घर में एक ना एक बंदे को तो फीवर है, तो बस अपना ख्याल रखें, बाय।